वाकई में यार धरती के जो स्वर्ग में रहते हैं हम लोग, वाह। सो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ। राजेश कल गोपेश्वर चला गया यार। जब भी वो गोपेश्वर जा रहा है तो बर्फबारी तभी हो रही है। इससे पहले वो गोपेश्वर गया था तो उसके अगले दिन बर्फ आई। आज कल वो गोपेश्वर गया तो आज फिर से बर्फ़ आ गई है। तो कह रहा था कि यार तूने बर्फ में वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों, आज मैंने बोला कि यार क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत मैं कर लूँ और एक ब्लॉग मैं ही खुद बना लूँ, और तब राजेश जब कल वो आता है तो परसों इस ब्लॉग को पोस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, 2022 की जो पहली बर्फ़बारी है और इस सीज़न की दूसरी बर्फ़बारी हमारे गांव में लग चुकी है। दो तीन दिनों से जो बारिश थी और रात को बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब हमने अभी सुबह देखा तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बर्फ़ जम चुकी थी। खैर, ये बर्फ़ काफ़ी नहीं है हमारे गांव के हिसाब से, इससे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हमारे गांव में पड़ती है। आप लगा सकते हैं कि यार जो मुँह में भाप आ रही है ये किस हिसाब से है। एक बार मैं आपको एक बार पूरा गांव का जो व्यू दिखा देता हूँ, हमारे जो गांव से जो दिखता है अभी कैसा दिख रहा है मौसम, जोशीमठ, ओली, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे से कैसा दिखेगा। तो दोस्तों, आप सामने का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार नज़ारा। जो ये वी बना है ये यहाँ पर अपना जोशीमठ है। जोशीमठ के प्रॉपर मार्केट में तो अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, लेकिन जोशीमठ के ऊपर जो सुनील वाला जो एरिया है, डाडों डूडों, यहाँ से काफ़ी तगड़ी बर्फ़ पड़ी है। और ओली में तो काफ़ी शानदार बर्फबारी है दोस्तों। ओली आप बिल्कुल एक दो दिन रुक करके आप आराम से अभी ओली घूमने आ सकते हैं। फिलहाल मुझे तो लगता है कि इस मंथ पूरी वहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। ठीक सामने आप देख सकते हैं नंदा देवी पर्वत, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ये जस्ट पीछे जो ये वी वैली दिख रही है ना, यहाँ पे नंदा देवी है, लेकिन अभी दिख नहीं रही है क्योंकि बादल लगे हैं। मेरे जो गांव का जो सामने वाला जो हिस्सा है, एक और गांव है, मतलब ये भी हमारे गांव में ही शामिल है पर थोड़ा सा अलग पार्ट है गाँव का, और ऊपर चनाब वैली वाला जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी शानदार बर्फबारी है। यार मुझे तो इससे भी ज़्यादा बर्फ़ की उम्मीद थी, लेकिन कम ही लगी। तो दोस्तों, इस तगड़ी बर्फ़बारी के बीच ना हमारे जो पानी की जो लाइन है तो शायद कहीं पे ब्लॉक हो गई है, या कहीं पे पाला जम चुका होगा, या फिर कुछ मिट्टी वट्टी लग गई होगी। तो दोस्तों, अभी चाचा ने कहा है कि यार पानी ठीक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इतनी ठंड में अभी पानी ठीक करने जाना है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ कि पानी कहाँ से ख़राब किया हुआ है। वाह, क्या नज़ारा है। तो दोस्तों, आज लगभग 3 दिन बाद जो धूप है ना वो भी आने लग गई है, और ये धूप में जो ये मौसम है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और जो व्यू है वो और भी ज़बरदस्त आ रहा है। तो वाकई में यार धरती के जो स्वर्ग में रहते हैं हम लोग, वाह। और अभी मैं चप्पल में ही हूँ और अब हम पानी ठीक करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार पानी का जो दिक्कत है वो इस बार थोड़ा सा बड़ी दिक्कत हो गई यार। जहाँ पर से नॉर्मली हमारा जो पानी वो ख़राब होता था, इस बार वहाँ पर से नहीं हुआ, शायद उससे आगे कहीं और जगह पे कबाड़ फंस गया जिससे पानी थोड़ा रुक गया। अब ले जा रहा हूँ मैं फिलहाल ये तार, ये तो अभी वही दिक्कत, यूनियन ले रही तो परमानेंट भाई। तो दोस्तों, अभी राजेश का फ़ोन आया था, कह रहा था कि यार वहाँ पे अगर बर्फ़ पड़ी है तो तू एक वीडियो बना ले। तो मैंने बोला यार मैं नहीं बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। और ये भी कह रहा है कि यार तू वीडियो बनाएगा तो फ्रंट बैक कैमरे को ही फ्रंट कैमरे की तरह यूज़ करना, मतलब जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा ठीक आए। तो कह रहा था कि मैंने बोला यार मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा नाराज़ होकर उसने फ़ोन काट लिया, लेकिन मैं अभी वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे वो जो वो है ना एडजस्टमेंट वो, क्योंकि यार मैं अगर बैक कैमरे से अगर फ्रंट कैमरे वाला व्यू आपको दिखाऊंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि यार आगे से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चक्कर में मैंने अभी नहीं बनाया। मैंने बोला यार चलो कोई दिक्कत नहीं, इस वाली वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी ही कम हो, लेकिन कम से कम जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्रॉपर वो तो दिखे ना। तो इसलिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो थोड़ी नॉर्मल रहेगी। तो अभी हम लोगों का जो पानी सही करने का जो काम था ना वो नहीं हुआ यार अभी, क्योंकि दिक्कत बहुत ही तगड़ी वाली हो गई है। शायद पता नहीं कौन से पाइप के अंदर बुझाड़ा लग गया है और हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हमको पूरा जो लाइन है वो खोलना पड़ रहा है। हम सरिया ले गए हैं, तार ले गए हैं, उससे भी नहीं हुआ है पानी ठीक। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी जो यार बर्फ़बारी है ना आज पूरा, मतलब यहाँ मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक पूरी बर्फ़बारी हुई है। तो काफ़ी
तगड़ा जो व्यू है वो दिख रहा है, और ये जो बर्फ है ना आंखों में चमक रही है यार। तो मेरे पास कोई चश्मा भी नहीं है, चश्मा तो था लेकिन टूट गया। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं फिर से पानी ठीक करने। आज तो उस पानी को प्रॉपर अब ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चप्पल में ही गया था, और जब इतनी ठंड को सहन किया है तो अब तो पानी तो पूरा चाहिए ही चाहिए। तो अभी लगाता हूँ मैं जूते और पानी को करते हैं ढंग से ठीक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अदर व्लॉग, आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देख सकते हैं गाइस हम यहाँ अंदर हैं, और आज हम व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस। देखिए गाइस हम यहाँ पे हैं बैठ के, और देख सकते हैं गाइस आज बादल लगी हुई है, आज बर्फ आई थी, और यहाँ है दादी। गाइस आपको बाहर का बर्फ दिखा लिया था, और ज्योति मठ भी। गाइस हम यहाँ अंदर आ चुके हैं अभी, और देखिए गाइस हम यहाँ अंदर हैं, और हम अंदर बैठे व्लॉग बना रहे हैं। आप खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख सकते हैं गाइस हम कुर्सी में बैठे हैं, ये देखिए गाइस, ये गाइस ये देख सकते हैं, और हम अब बैठे हैं। और गाइस देख सकते हैं हम यहाँ पे बैठे हैं, और देख सकते हैं गाइस, और वहाँ ऊपर पे दादी कुछ कर रही है काम, और वहाँ वो लगाई है, वहाँ घाम लगा है, और मौसम साफ था, अब बर्फ लगी थी, बर्फ अब चले गई। और तो देख सकते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना भूलना। बाय बाय। नींद का सौदा करे एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले, एक ख्वाब जो आँखों में है, एक चांद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे बोलना हल्की हल्की। तो दोस्तों ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ दो दिनों के बाद, मतलब परसों जिस दिन शैलेश भाई ने ये व्लॉग स्टार्ट करा था, तो उसकी मॉर्निंग में मैंने भाई को कह दिया था कि भाई मेरे को एक छोटी सी वीडियो बना करके मेरे को सेंड कर दे, मैं आज की वीडियो में उसको एंड कर दूंगा कि हमारे गांव में इतनी ज़्यादा बर्फ़ आई हुई है। वैसे उतनी ज़्यादा बर्फ़ आई नहीं थी, लेकिन जितना भी था आपने देख लिया था होगा ये व्लॉग में। तो शैलेश भाई ने कहा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मुझे लगा कि यार भाई काम कर रहा होगा तो ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन शैलेश भाई ने समझा कि ये नाराज़ होकर के इसने फ़ोन काटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। तो मेरे को ये पता नहीं था कि भाई मतलब पूरा आज व्लॉग बनाने वाला है। तो आज मैं जैसे ही घर आया तो शैलेश भाई ने बोला कि भाई मैं मतलब मैंने पूरा व्लॉग बनाया है लेकिन मैंने एंड नहीं करा है। तो मैंने कहा कि चल कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एंड कर दूँगा। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।